हेलो बच्चों, वे वे गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल डूइंग? वे वे गुड आफ्टरनून टू यू ऑल एंड मोस्ट वेलकम टू योर फेवरेट चैनल व्हिच इज़ क्लास अपार्ट। एंड मुझे पता है कि ये चैनल आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हो रहा है। एंड रोज़ रोज़ आप लोग जो हैं वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कर रहे हैं। ज़रूर हम लोग यू नो एवरी एजुकेटर इज़ ट्राइंग टू गेट समथिंग न्यू फॉर यू ऑल ऑन अ डेली बेसिस। सो आई एम श्योर दिस इज़ एज वेल प्रूविंग अ वेरी वेरी हेल्पफुल medium for you all to help you guys revise your school ka syllabus, right? So here it is bacho, I am your English educator, my name is Sonam Sudan and I am here to teach you class 7th ki English as of now. तो हम लोग बच्चों आज कर रहे हैं ये जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है एंड एलियन हैंड, हम लोग कर रहे हैं उसका 7th chapter and the name of the chapter is the bear story. So bear, as you all know, what is a bear? A very very cute animal. इसका एक मतलब कार्टून वर्जन इज अ टेडी बेयर व्हेन वी ऑल नो दैट। सो यस, और मैं अपने सारे प्यारे प्यारे बच्चों को क्यूट क्यूट टेडी बेयर्स भी बोलती हूँ। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ रियल बेयर। सो बेयर इज यू ऑल नो भालू क्या होता है, भालू होता है उसकी स्टोरी है ये। बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। दिस स्टोरी विल टेल यू अबाउट हाउ स्वीट लॉयल एंड लविंग दे आर। सो या लेट्स गो अहेड विदाउट एनी फर्दर डू। सो बच्चों, बिफोर वी गो अहेड, यू ऑल कैन एस योर स्कूल एग्जाम्स, यानी कि यू ऑल कैन विन इन योर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शंस एंड बाय इट यूजिंग माई कोड SOS10। देन बच्चों, हियर इट इज, मोस्ट वेलकम टू योर इंग्लिश एजुकेटर सेशन। माई नेम इज सोनम सूदन, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड आई एम हियर टू वेलकम यू ऑल टू स्टडी क्लास 7th की इंग्लिश, CBSE NCERT टेक्स्ट बुक इंग्लिश वाला। सो बच्चों, आप लोगों ने मुझे अन अकेडमी क्लास 6th पर देखा ही होगा, मेरी बहुत सारी सेशंस अटेंड की होंगी। इनफैक्ट आप लोगों ने मेरी स्पेशल क्लासेस भी अटेंड की होंगी। सो आई वांट टू टेल यू ऑल कि अन अकेडमी क्लास 6th का एक टेलीग्राम चैनल है एंड दिस इज इट्स कोड। डू जॉइन इन सो दैट आपको लेटेस्ट सेशंस का अपडेट्स मिलता रहे, मतलब कोई भी स्पेशल क्लास हो उसका भी अपडेट मिलता रहे। सो या डू जॉइन इन। एंड देन बच्चों, इस बग्स बाउंड्री किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट अगर आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है तो यू कैन रिपोर्ट इट। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देन इज अन अकेडमी आस्क आउट अ वेरी वेरी यूजफुल फीचर फॉर यू ऑल। घर बैठे बैठे आप लोग अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं और आपको मिलेंगे जवाब में हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी। यू विल रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर योर क्वेश्चंस एंड जो भी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे वो बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही एक्यूरेट होंगे। सो यूज कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊं। बाय द वे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है शॉर्टेस्ट वे। तो यूज कैसे करना है बच्चों, यू हैव टू गो टू द अनअकैडमी ऐप, यू हैव टू क्लिक ऑन आस्क अ डाउट देयर। फिर आप लोग को आपको अपने डाउट की एक पिक्चर क्लिक करनी है, उस पिक्चर को अपलोड करना है। आप उसको चाहो तो क्रॉप कर सकते हो ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देन आफ्टर दैट यू गॉट टू चूज योर सब्जेक्ट एंड देन सेंड अक्रॉस द नो टाइम यू विल गेट एन आंसर। चलो बच्चों, लेट्स स्टडी अबाउट द बेयर स्टोरी। ओके, देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट। वॉट इज अ मैनर हाउस? मैनर हाउस होता है एक मैंशन टाइप का। तो अगर आप लोगों ने देखे होंगे वो यूजली हम मूवीज में देखते हैं ना कि फॉरेस्ट लैंड जैसी होती है या फिर फार्म लैंड होती है, वहाँ पे एक फार्म हाउस टाइप के होते हैं बहुत ही क्यूट से सुंदर से। दैट्स व्हाट इज अ मैनर हाउस, ठीक है। सो एन ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन अ मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट, दिस लेडी हैड अ पेट बेयर। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ तो इसका एक पेट बेयर था जिसका ये मतलब बहुत प्यार करती थी अपने बेयर को। It had been found in the forest half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. तो एक छोटा सा एक मतलब बेयर था, बेयर इज अ भालू, एक भालू छोटा सा, जब वो बहुत छोटा था तो बेचारा भूख से मर रहा था और तब जाकर यू नो वो इतना ज़्यादा बेचारा भूख से लाचार हो चुका था। तो इस लेडी को, इस बेयर को लाना पड़ा था अपने घर में और इसकी एक ओल्ड सी कुक है तो कुक और लेडी को इसको मिल के लाना पड़ा था घर में। This was several years ago and now it had grown up to be a big bear, so big and strong that it could have slain a cow and carried it between its paws if it had wanted to, but he did not want to.
He was most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. तो अब ये बेयर जो था ये काफ़ी बड़ा और पावरफुल हो चुका था, बट ये जो बेयर था ये एक्चुअली अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि मतलब इफ़ ही वेस्ट ही कुड इवन किल अ काउ, ये एक गाय को मार कर उठा कर भी ला सकता था, ये इतना पावरफुल हो चुका था। बट ये बहुत ही फ्रेंडली था, मतलब ना मस्त रहता था, खेलता कूदता था, ये कभी भी हार्म नहीं करता था किसी को। He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. Amicably is friendly, मतलब प्यार से, आराम, मतलब जैसे होता है ना एक आराम से मानने वाला बंदा, तो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आगे पीछे जितने भी मतलब कैटल जो ग्रेस करते थे उनको बहुत आराम से देखता था। He used to sit outside, okay. The three shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. So, एक और तीन ponies रहे, ponies घोड़ों का एक type होता है, वो रहते थे और मतलब वो भी उनके साथ भी इसकी बड़ी अच्छी जान पहचान थी, और जब भी अपनी मिस्ट्रेस मतलब ये जो लेडी जिनने ये रखा हुआ था जब भी उनके साथ होता था तो दे वुड नेवर माइंड, मतलब बहुत ही फ्रेंडली बेयर था बेसिकली। The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. तो छोटे छोटे बच्चे भी आकर मतलब प्यार से इस बेयर, ना हाउ क्यूट, लाइक वाओ इट्स सो लवली, आई विश इवन आई हैड दिस बेयर, आई एम नॉट श्योर इफ सच एनिमल्स डू एग्जिस्ट हु आर सो ट्रस्टवर्दी, तो आई एम श्योर दे डू। तो छोटे छोटे बच्चे भी आकर कई बार उसके बाजुओं में सोए रहते थे मज़े से, और ये मतलब very very sweet. The three dogs loved to play all sort of games with him, pull his ears and his stump and tease him in every way, but he did not mind the least. He had never tasted meat, he ate the same food as the dogs and often out of the same plate, bread, porridge, potato, cabbage, turnip. So vegetarian bear tha, matlab bada hi decent sa, bahut hi friendly, matlab sabhi iske sath khelte the, matlab nice. ठीक है, ये देखो ये जो बेयर है ये सभी कुत्ते उत्ते जो है ये सब इसके साथ मतलब आराम से खेलते थे और ये मस्त रहता था, मतलब वेरी वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ओके, ही हैड अ फाइन एपेटाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ इट दैट ही गॉट हिज फिल। तो ये जो लेडी थी जिनके घर में ये बेयर पेट था, उनके घर में एक कुक भी थी, तो कुक जो थी वो ध्यान रखती थी कि मतलब ये जो बेयर है इसका अच्छा गॉट हिज फिल मींस पेट भर के खाए, तो कुक ध्यान रखती थी कि ये पेट भर के जरूर खाना खाए। बेयर्स आर वेजिटेरियन इफ दे गेट अ चांस एंड बेयर्स आर वेजिटेरियन इफ दे गेट अ चांस एंड फूड इज व्हाट दे लाइक बेस्ट। तो बेसिकली बेयर्स जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं अगर उनको मौका मिले तो, और फ्रूट्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं। इन द ऑटम ही यूज्ड टू सिट एंड लुक विद विशफुल आईज एट द राइपनिंग apples in the orchard, and in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to handful of them. So basically na usko matlab khane ka bahut shauk tha, like apples khata rehta tha, aur matlab bechara baith kar na wishful is like kab pura ho ye dream, it's like that. So wo bechara baith kar dekhta rehta tha, haaye kab ye apples pakenge, kab main inko khaunga, you know, he just loved to eat, very very nice, friendly, cuddly, warm, amiable sort of a person, sort of an animal bear was. Bear look clumsily and bears look clumsy and slow in their moment, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that they can easily beat any school boy at that game. So basically bears jo hote hain na unko dekhne mein lagta hai to kya dheele dhaale chal rahe hain, but wo itni tez daud sakte hain, even faster than young boys. Now he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apples that fell on the ground. To chote hote jab bhi apple tree मतलब पर कुछ पक रहा होता था तो ये तो घोड़ के ऊपर चढ़ता था तोड़ने के लिए, तब तो इसको रुका नहीं जाता था, लेकिन अब बड़ा हो चुका था, अब इसको समझ आ गया था कि इसके ऊपर नहीं चढ़ना है, नहीं तोड़ना है, तो अब बेचारा बैठ कर देखता रहता था हाय कब पकेगा, कब मैं खाऊंगा। सो देर हैड ऑल्सो बिन सम डिफिकल्टीज अबाउट द बी हाइव्स, ही हैड बीन पनिश्ड फॉर
for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. So क्या होता था कि आपको पेड़ पे कुछ मधुमक्खी के छत्ते भी लग चुके थे, तो इस चीज़ के लिए उसको खूब डांट कर, मतलब एक बारी उसकी जो मिस्ट्रेस, जो ओनर थी, उनने डांट कर उसको खूब बारी, एक बारी चेन में भी बंद किया था कि दोबारा पेड़ पे मत चढ़ना. तो अब तो वो पेड़ पे चढ़ता ही नहीं था. ओके, अदरवाइज ही हैड नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on chains and no water. Basically, bears को आप कभी chain में रखते नहीं, अगर आप रखोगे तो वो गुस्से हो जाते हैं. And it's just like जैसे dogs को भी अच्छा नहीं लगता chain में रहना, bears को भी अच्छा नहीं लगता. So yeah, okay, let's go ahead. He was also put on the chain on Sunday when his mistress went to spend the afternoon with a married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. It was better to be on the safe side. So ek bari matlab usko chains mein waise bandha nahi gaya tha, so ek hi bari bandha gaya jab usko, एक तो जब उसको पनिशमेंट मिली थी, और दूसरा एक बार क्या हुआ कि जो ओनर थी, इनको जाना था अपनी अपनी बहन के पास में जो कि फॉरेस्ट के दूसरे साइड पे रहती थी. तो अब इनको जाना था उनसे मिलने, तो इन्हें सोचा कि बेटर है कि मैं इसको चेन में बंद करके रखूँ, अदरवाइज ये बाहर आ जाएगा, इट माइट डेंजरस फॉर हिम. सो ही वॉज ऑल्सो ओके ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन such a fright on a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. So basically क्या हुआ कि उसके लिए forest में जाना अच्छा नहीं था, फिर उसके बाद में वो इतना अच्छे से तैर भी नहीं सकता था, और वो इतना ज़्यादा मतलब कि वो सो पुअर विद दैट कि एक बार ही क्या हुआ कि बहुत ज़ोर की हवा आई, और कहीं किसी रिवर में या ऐसे बोट पे जा रही होंगी, ये अपनी मिस्ट्रेस के साथ में जा रहा होगा, उसने अचानक छलांग मारी और ये बोट से गिर गया, और फिर इसको बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके लाना पड़ा था. नाउ ही न्यू वेल व्हाट इट मेंट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन चेन्स ऑन संडेज. With a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return, as he had been good during his absence. If he had been good during the absence. तो अब उसको पता था कि भाई संडे को जो मेरी ओनर है वो तो जाती ही है अपनी बहन से मिलने, तो वो उसको बड़े प्यार से बोलती थी, और वो मान भी जाता था, मतलब ठीक है चलो, I won't be very very naughty, I'll just stay in this, I'll follow your orders. तो वो मान भी जाता था और वो रहता था, और प्रॉमिस करती थी मैं वापस आकर तुम्हें एक एप्पल डेफिनेटली दूंगी. ओके, ही वॉज सॉरी बट रिजाइन लाइक अ गुड डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर अ वॉक. तो क्या होता है कि मान जाता है वो अब, लेकिन उसको अच्छा तो नहीं लगता, बट मान ही जाता है कि चलो ठीक है भाई नहीं आऊँगा. On Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about half away through the forest, she suddenly thought she heard the cracking sound of a tree branch on the winding footpath behind her. She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. तो क्या हुआ कि एक बारी मतलब जा रही थी ये जो बेयर की मिस्ट्रेस अपनी बहन के घर पे एज़ यूजुअल संडे को, अभी वो आधे रास्ते फॉरेस्ट में जा चुकी थी, और सडनली उसको सुनाई दिया कि शायद बेयर आ रहा था वापस, मतलब वहाँ से आ रहा था, और इसको लगा कि मतलब मुझे आवाज़ तो आ रही है, मे बी ही इज़ कमिंग, ही इज़ फॉलोइंग मी. सो बेयर्स जो होते हैं ना वो मतलब ऐसे लगता है बहुत स्लोली चलते हैं, बट वो बहुत, दे कैन एक्चुअली रन वेरी वेरी फास्ट, शफल इज़ लाइक दे रन अलॉन्ग वेरी फास्ट, इवन फास्टर दैन अ ट्रॉटिंग हॉर्स. ट्रॉटिंग इज़ लाइक अगेन चलने वाला, जब हॉर्स जो है ना, हॉर्स की स्पीड के कंपेरेबल होता है. इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर पैंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप प्लेस dog fashion at her heels. ठीक है, सो जैसे dogs जो है ना वो अपने master की heels पे रहकर चलते हैं, तो सिमिलरली ये जो बेयर था इसने भी वैसे ही आके जगह ले ली, और ये भी चलने लगा.
The lady was very angry. She was already late for lunch. There was no time to take him back home. She did not want him to come with her. And besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. तो अभी गुस्सा आ गया उस औरत को काफ़ी कि ये इसने मतलब मेरी बात मानी क्यों नहीं, एंड व्हाई डिड ही फॉलो मी ऑल द वे हियर, इट इज़ वेरी वेरी बैड. शी टोल्ड हिम इन अ सीवियरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, मेनेसिंग हिम विद हर पैरासोल. तो मेनेसिंग इज गुस्से से देखना, ठीक है. एंड मतलब स्वियरिंग वॉइस इज लाइक काफ़ी मतलब ऊंची और स्ट्रिक्ट आवाज़ में उसने उसको एक बारी डांटा. द पैरासोल इज़ हर अम्ब्रेला. ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक एट हर विद हिज कनिंग आईज, बट डिड नॉट वांट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर. तो गुस्से से मतलब बेयर ने भी देखा कि तो मेरे को डांट पड़ रही है, मतलब उसको जाने का मन तो नहीं था. जाता रहा, फिर मुड़ मुड़ के देखता रहा, जाता रहा, फिर मुड़ के देखता रहा. सो दैट्स हाउ, बट समहाउ ही लेफ्ट. व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke into two. तो जब लेडी ने देखा कि उसके उसका कॉलर भी टूट चुका है, तो उसने इतनी ज़ोर से उसको मारा कि उसका एक्चुअली अम्ब्रेला टूट गया. He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then and took and looked at the lady till at last she lost sight of him. तो finally मतलब डांट वांट खाकर वो बेचारा वापस चला गया, मतलब पीछे घूम घूम के देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, फिर जा रहा है, ऐसे करके वो चला ही गया. द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री. शी वेंट अप टू हिम एंड बिगैन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सिवियरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर टू डेज. ठीक है, अब क्या हुआ, जब लेडी घर वापस गई तो उसने वो जाके बियर को बहुत डांटा बियर को कि भाई ये क्या मतलब था, अब तुम्हें दो दिन चेन में तुम्हें बंद रखूंगी. तो ये देखो, ये जो लेडी है, ये बियर आ रहा है पीछे पीछे, और इसलिए इसका अम्ब्रेला है पैरासोल, और इसने इसको इतनी ज़ोर का इससे मारा कि फाइनली ये अम्ब्रेला दो हिस्सों में टूट गया. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. What are you scolding him for, missus? said the cook. He had been as good as gold the whole day, bless him. He had been sitting here quite still on his hunches, as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. अब वो बेयर बेचारा मिस कर रहा था. तो फाइनली एक कुक जो है, ये भी बेयर को बहुत प्यार करती, तो ये बोलती है तुम उसको डांट क्यों रही हो, वो बहुत ही स्वीटली जब से आया तब से बैठा ही हुआ है, ने कुछ भी गलत नहीं किया है. इज बीन सिटिंग, इज बीन ऑन हिज हंचेस, मतलब ऐसे पाँव के बाहर बैठा हुआ है तब से. एंड गॉड ब्लेस हिम, इज बीन वेरी वेरी स्वीट एज एन एंजल, व्हाई डू वांट टू स्कोल्ड हिम. दैट्स अबाउट इट, द स्टोरी एंड्स. सो बेसिकली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो बेयर है, जब उसको डांट पड़ी, उसको रियलाइज हुआ कि उसने गलत किया है. हो सकता है उसने कुछ तो फॉरेस्ट में ऐसा स्निफ किया, उसको लग रहा हो कि शायद ये जो लेडी है, शायद इसको किसी तरीके का डेंजर है. यू नेवर नो फॉर व्हाट ऑल रीजंस, यू नो, he disobeyed his mistress and went there, you never know. But yeah, but then he still obeyed and he came back and he sat peacefully and didn't disturb anybody at all. Yeah, that's about it. Aur bhi detail karna hai, question answers, NCERT textbook ki exercise and all, buy your plus subscription using my code SOS10. Aur yahan pe subscription mein kya kya features hain, you get to घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरे सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज. और इस सब का प्राइस 24 मंथ्स यानी 2 साल 25,000, 18 महीने 20,000, 15 महीने 18,000. और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. Then bacho, iconic subscription ka price, personal mentor, live out solving session, weekly report card, parent connect, study planner and all the benefits of plus subscription. And what's the price? 2 saal 48,000, 18 months 35,000, 15 months 32,000. Aur is price par 10% discount using my code SOS10. And bacho, don't forget to use my code SPSO10 to unlock free special classes and free test series on the Unacademy app. Thank you so much for being with me, bachcho. Yaad rakho mera code SOS10 to buy your subscription plus or iconic. Thank you so much, bachcho. Let's crack it together with Unacademy. Bye, bye, bye. Love you all.